हाल ही में हुए नूह हिंसा के मामले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कोर्ट ने नूह हिंसा के बाद अवैध निर्माण गिराए जाने को लेकर चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बताया कि एक समुदाय विशेष को टारगेट वाला अभियान है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या एक जाति विशेष को लेकर किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या किसी भी निर्माण को गिराए जाने से पहले नोटिस जारी किया गया। वहीं सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि कार्रवाई नियम के अनुसार हो रही है। इस पर कोर्ट ने दस्तावेज मांगे तो उन्होंने समय दिए जाने की मांग की है। बता दें कि हाल ही में नूह में काफी हिंसा हुई थी। कई जगह आगजनी और पथराव की खबरें सामने आई थी। नूह के साथ साथ ये हिंसा गुरुग्राम में फैल गई थी। 31 जुलाई को हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। सामान्य हालात होने के बाद पिछले 4 दिनों से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नूह प्रशासन और जिला योजना विभाग की टीमों की ओर से नूह में अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने ब्रिटिश इतिहासकार लॉर्ड एक्टन के कथन का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता भ्रष्ट और निरंकुश होती है। पूर्ण सत्ता मिल जाए तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। ऐसे में सत्ता भगवान को भी नहीं छोड़ती। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को तय की गई है। एक बार फिर से बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंसा के बाद अवैध निर्माण गिराए जाने को लेकर चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान पर रोक लगा दी है। इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।